Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 4 in your English literature book. Chapter 4 in your English literature book is about the topic The Tree That Never Stopped Giving. Students, in the previous classes, we have already studied the first part and the second part of this chapter. Today, in this class, we are going to study the third part or the last part of this chapter. So, students, let's open page number 19 in your English literature book and start read from here. Years went by. उसके बाद बहुत साल बीत गया था. The lonely old tree often thought of the boy. वो लोनली ट्री अकेले में बॉय के बारे में सोचता था. एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर. एक दिन वो बॉय ट्री के पास आया था और वो बॉय पहले जैसे यंग नहीं था. आई नीड अ बोट ही सेड टू द ट्री. बॉय ट्री को बोल रहा था कि मेरे को एक बोट चाहिए. आई वॉन्ट टू ट्रैवल. मैं घूमना चाहता हूँ. टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड. और इस वर्ल्ड में मैं कुछ देखना चाहता हूँ. टेक माई ट्रंक. इट इज ऑल आई हैव लेफ्ट. मेरा ट्रंक ले लो और यही तो मेरा बचा हुआ है अभी. बट It will make you a sound boat, said the tree. Tree बोल रहा था कि it will make you a sound boat. The thoughtless boy took the trunk, made his boat. वो thoughtless boy tree के पास जो trunk बचा हुआ था उसको ले लिया था बोट बनाने के लिए और वो बोट भी बनाया था. एंड सेल्ड अवे विद आउट इवन वॉन्स थिंकिंग अबाउट द ट्री. और उस बोट में वो घूमने चला गया था और ट्री के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था. एंड व्हाट ही हैड डन टू इट. उसके बाद वो बॉय इसके साथ क्या किया था. Finally, the boy became a tired old man. Finally, वो boy एक tired old man बन गया था. And now all he could think of was his faithful friend, the tree. Calm boy called the tree. अभी वो boy एक tired old man बन गया था और वो ओल्ड मैन अभी जिसके बारे में सोच सकता था वो है उनका वो फेथफुल फ्रेंड जो है वो ट्री. ट्री उस बॉय को बोल रहा था काम बॉय रेस्ट हियर ऑन माय स्टाम्प. और मेरे स्टाम्प के ऊपर बैठकर रेस्ट करो. दिस इज द स्टाम्प. इट मेक्स अ गुड सीट. ये एक बहुत अच्छा सीट है. वी कैन बी हैप्पी टूगेदर. हम दोनों साथ में खुश हो सकते हैं हैप्पी हो सकते हैं. एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर वॉन्स सैट डाउन इन द वॉर्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प. उसके बाद ए बॉय एक बार के लिए वार्म सनशाइन में मीन्स सूरज के बहुत गर्मी में स्टाम्प के ऊपर ग्रेटफुली बैठा था. एंड द ट्री वॉज हैप्पी. और इस मैन को देखकर ट्री बहुत ही हैप्पी हो गया था. व्हाई वॉज द ट्री हैप्पी.
ट्री क्यों हैप्पी हो गया था? द ट्री वॉज हैप्पी बिकॉज द ट्री गॉट द बॉय अगेन हुम इट मिस्ड. ओके, ट्री उस बॉय को वापस अपने साथ देखा था जिसको वो ट्री बहुत मिस करता था, इसीलिए ट्री बहुत ही हैप्पी हो गया था. एडॉप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय सेल सिल्वरस्टीन. ओके, सो ये जो टेक्स्ट हम अभी पढ़े हैं, इस टेक्स्ट को द गिविंग ट्री से लिया गया है जिसका राइटर है सेल सिल्वरस्टीन. ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर प्रॉपरली, देन वी विल डू द एक्सरसाइज वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर.